आपका जो पौधा है, फिर मैं ये लगा रहा हूँ। इससे क्या होगा है? पानी जो है ना नीचे जल्दी से, पानी क्योंकि मैं रेतीली मिट्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ तो पानी जो है वो जल्दी से क्या बोलते हैं, फिर मैं ये क्यों डाल रहा हूँ, ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ, इससे क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत बढ़िया रहता है ये। मैंने बहुत सारे जगह सर्च किया तो मैंने पाया कि सबसे बढ़िया जो चीज़ होती है, अगर आप खेत में भी डालते हैं ना, अगर आप खेत लगाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले आपको ये डालना चाहिए है नहीं। उससे क्या होता है आपका जो खेत है जिसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा रहती है पेड़ पौधों में, वो चलते हैं। फिर मैं ये देखिए, आप रेतीली मिट्टी है, पूरी रेतीली मिट्टी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि रेतीली मिट्टी का क्या असर होता है, और इसमें मैंने थोड़ा सा मिट्टी मिलाई है, तो मिट्टी मिलाई है, खाद मिलाई है, लीफ मोल्ड, और थोड़ा सा मैंने इसमें बहुत मेरे पास पुराना वो पड़ा हुआ था, क्या बोलते हैं, गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट बोल लीजिए, वर्मी कंपोस्ट पड़ा हुआ था। आप देखिए मैं इसको दबा दबा के सेट कर रहा हूँ, दबा दबा के सेट करने से क्या होता है मिट्टी ज़्यादा आ जाती है, अब मिट्टी फुसफुसी नहीं रहती। अब मैंने वो लगा दिया, अब मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है, ठीक है, और मैंने आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसमें से निकाल लिया है, इसमें से निकाल, देखिए पूरा बच गया है मेरा, क्यों बच गया है, क्योंकि मैंने इसमें से थोड़ा सा दबा दबा के, इससे क्या हुआ मेरा एक तो उसका वो टूट गया, क्या बोलते, देखिए इसका ये टूट गया है ना, है ना, इसका जो गोला सा होता है वो टूट गया पहली बात, ठीक है। ये देखिए गिर रहा है, इसको थोड़ा पकड़ना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं तो ये आ जाएगा। देखिए थोड़ी सी मिट्टी डाल रहे हैं, ठीक है, मिट्टी डाल रहे हैं हम। और हाँ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने साफ का, साफ आता है फंगीसाइड, 100 रुपये का आता है, एक पैकेट आ जाता है, कितना होता होगा उसमें, आधा किलो होता होगा शायद, आधा किलो, हाँ आधा किलो होता है। इसमें मैंने साफ मिलाया है, ठीक है, कोकोपीट मेरे पास थी नहीं, मैंने कोकोपीट नहीं मिलाई है, साफ एंटीबैक्टीरियल का वो आता है, एक एंटीबैक्टीरियल का घोल आता है, एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल का मैंने इसमें मिला दिया है। देखिए मैं मिट्टी दबा दबा के भर रहा हूँ, ठीक है, मिट्टी दबा दबा के भरने से क्या होता है मिट्टी ज़्यादा आ जाती है और फुसफुसी थोड़ी सी कम रहती है। वैसे तो ये खुद ही रेत है तो आपको पता ही है, रेत से सारा पानी तो निकल ही जाएगा, जितना पानी इसमें चाहिए होगा वो मैंने इसमें डाल दी चीज़ें तो रोक लेंगी, ठीक। अब मैं इसको भर रहा हूँ, थोड़ा सा 2 इंच का गैप रहना चाहिए पर अभी मैं लगा दूँगा, तो मिट्टी थोड़ा सा दबा दबा के भर देता हूँ। ये देखिए मेरा नींबू का पौधा थोड़ा सा झुक रहा है, मैं इसमें सपोर्ट लगाऊँगा, अब सपोर्ट के लिए मैं कल लाऊँगा बांस, ठीक है, मैं आपको इसकी एक फ़ोटो डाल दूँगा कल ना, बांस लगा के या कुछ लगा के ना इसकी फ़ोटो डाल दूँगा। मेरे पास वैसे तो थी लकड़ियाँ पर अब दिख नहीं रही मेरे को, तो पता नहीं कहाँ रख दी, फेंक दी होंगी घर वालों ने, मेरे घर वाले मेरे इससे बहुत चिढ़ते क्योंकि मैं बहुत पैसे खर्च कर देता हूँ इसमें। थोड़ा सा इसमें सेट कर दिया इसको, और देखिए जैसे कि मैं बता रहा था इसके साइड साइड में, साइडों में क्या बीच में भी हर जगह क्या होता है थोड़ा सा बना दीजिए गैप ना, कि मिट्टी आ जाए, सॉरी पानी डालें तो पानी थोड़ा सा इसमें रहे, अगर पानी नहीं रहेगा तो क्या ये पूरा रेतीला ही है, ठंडा भी बहुत हो रहा है सर। देखिए अब सबने देख लिया, अब मैं इसमें क्या लगाऊंगा, इसमें मैं सोच रहा हूँ कि क्या लगाऊँ, इसमें मैं सोच रहा हूँ ये लगा दूँ, मेरे पास ये प्लांट्स पड़े हुए हैं, इसमें वाइट फूल आते हैं और इसने इसको ज़्यादा ही घेर लिया है तो इसने वाइट फूल वाले को तो मार दिया, अपने आप ज़्यादा लग गया, इसको भी हटाऊँगा मैं, पर इसको उसमें नहीं लगाऊँगा मैं, सोच रहा हूँ ये लाया था मैं, देखिए अच्छा लग रहा है ना, ये लगाऊंगा मैं इसमें। ये देखिए 2 प्लांट मैं लाया था, मैं तो मैं इसको रिप्लांट करूँगा, रिप्लांट करूँगा इसका, देख लीजिए एक बार आप मेरी सारी नर्सरी देख सकते हैं। ये मेरा टेरेस गार्डन है, और ये देखिए मेरे टेरेस गार्डन में मैंने क्या क्या लगाया है, और ये देखिए
ये सूरजमुखी का पौधा मैंने बीज डाले थे मैंने, और ये फूल आ गए। ये देखिए, इस मेरी बहन ने पता नहीं किसने इसमें गेहूँ डाल दिया था, गेहूँ बड़ा बड़ा हो गया। अरे देखिए सर, इसमें फूल आ गया। जी देखिए, मेरा एक और नींबू का पौधा है, ये इसमें नींबू नहीं आए। ये देखिए तुलसी मेरी इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। देखिए मेरे फूल आ रहे थे, थोड़ा पौधा मुरझाने लग गया है। इसमें मैंने किक्के डाला था, बहुत सारी चीज़ डाली थी मैंने इसमें। देखिए अभी इसमें लगेगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। मैं आपको अपना सारा छत दिखा देता हूँ। ये देखिए कैसे लगा आपको। ये देखिए छोटे छोटे पौधे, ये देखिए पौध भी लगाता हूँ मैं अपनी छत पे, खुद ही करता रहता हूँ मैं चीज़ें, ना लगता है मेरे को। ये देखिए मेरी पूरी छत देख सकते हैं आप। अभी शाम हो रही है तो थोड़ा कम दिखे। मैंने नीम का पौधा भी लगा रखा है, छोटा छोटा रहता है, ठीक लगता है। अभी इसमें कली आ रही थी, अभी आई नहीं है। चीज़ें मैंने लगा रखी हैं, जब ग्रो होंगी तो होंगी। ये देखिए टमाटर का पौधा, ये देखिए इसमें भी सब में। ये देखिए इलायची का पौधा, मेरे को पौधों का बहुत शौक है। ये देखिए ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का पौधा है मेरे पास। ये देखिए जेरेनियम, देखिए जेरेनियम इसमें फूल आ गए हैं। इसमें देखिए फूल आ रखे हैं, बड़े सुंदर से लग रहे हैं देख के। सेमी का पौधा, तुलसी। ये देखिए कली फ्लावर आ रहा है। अच्छा लगा आपको, मैं आपको और दिखाऊंगा पर थोड़ा सा धूप में दिखाऊंगा ना। ये देखिए पेंट करना है, अभी पेंट का टाइम नहीं।